जिला निर्वाचन उपायुक्त के द्वारा जिला अधिवक्ता संघ भवन गिरिडीह में शिविर कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकतंत्र के महापर्व आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारियां साझा की गई और जिले के मतदाताओं को जागरूक करने हेतु अधिवक्ताओं से अपील की गई। कार्यक्रम में उपस्थित संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा यह शपथ लिया गया कि वह आगामी चुनाव में बिना भय लोभ जाति धर्म से हटकर निष्पक्ष मतदान करेंगे और अपने क्षेत्र के मतदाताओं को भी बढ़ चढ़कर मतदान करने को प्रेरित करेंगे। मौके पर गिरिडीह जिला के उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमार, उप निर्वाचित पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नू कांत, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा, सचिव प्रशासन दशरथ प्रसाद, कार्यकारिणी सदस्य अमित सिन्हा, उत्तम कुमार, विशाल आनंद, दिनेश शर्मा सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे। आज हम लोग गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रांगण में आए हुए हैं। मूल तौर पे आज हम लोग ECI के स्वीप एक्टिविटी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड रेफरल पार्टिसिपेशन यानी कि प्रचार प्रसार के लिए हमारे अधिवक्ता साथियों के बीच में आए हैं। आप सभी को ज्ञात है कि आने वाले दिनों में लोकसभा निर्वाचन चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसकी पूरी प्रक्रिया होने वाली है। इसके लिए मूल तौर पे हम लोग ये चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनका निबंधन हो जाए और मतदान के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स पार्टिसिपेशन करें। तो हम लोगों के स्वीप के कार्यक्रम में एक बार एसोसिएशन के साथ में एक इंट्रैक्शन और पार्टिसिपेशन एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी, जो कि बार एसोसिएशन के माध्यम से हमारे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, जितने भी कोर्ट क्लर्क्स हैं, जितने भी प्रार्थी हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं, वो सब इससे आच्छादित हो और जो चुनाव का जो जो पूरी प्रक्रिया है लोकतंत्र का महापर्व है उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कर सकें। DC साहब की अध्यक्षता में एक स्वीप कार्यक्रम के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इसका बेसिक पर्पस था कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, स्वीप कार्यक्रम के तहत कैसे लोगों को जागरूक किया जाए कि अधिक से अधिक संख्या में वोट दें, वोट में पार्टिसिपेट करें। इस पर इसी बिंदु पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में हमारे जिले के लगभग सभी अधिवक्ता उपस्थित हुए और डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर साहब ने भी अपनी बातों को रखा। प्रोफेशनल IAS मैम दीपेश कुमारी जी ने अपनी बातों को रखा। हम लोगों ने बड़े गौर से उनकी बातों को सुना और इस बात को हम लोग काफ़ी इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे ताकि लोगों में इलेक्शन के समय में जागरूकता पैदा हो, अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट में पार्टिसिपेट करें। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोलडीहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल, हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से प्लस टू तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। CBSE बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9
2011 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, 9431924995, 8877522222।